सो आज की इस टॉपिक में हम जानेंगे गवर्नमेंट बैंक लोन वर्सेस प्राइवेट बैंक लोन क्या अंतर है, दोनों में से किस में जाना चाहिए। आपके पास तो दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो भारत सरकार के जो भी स्कीम है या राज्य सरकार की स्कीम है आप उसका फ़ायदा उठा के लोन ले सकते हैं, या नहीं तो प्राइवेट बैंक में भी ले सकते हैं, दोनों में भी ले, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है किसी एक में लेंगे, लेकिन अंतर क्या है, किस में जाना बेहतर होता है, इसको जानना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में ये हम समझेंगे। सबसे जो पहला नंबर पॉइंट है वो है, कोई भी लोन आप लेने के लिए जाते हैं, नॉर्मल बाइक लोन लेने के लिए जाइए तो वहाँ पर एक फ़ी वो लोग चार्ज करते हैं प्राइवेट बैंक वाले, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग फ़ी। आपने देखा होगा जनरली ये बजाज के थ्रू अगर आप मोबाइल का लोन लेने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी में लिखता है 0% प्रोसेसिंग फ़ी। वो कहने का है, बाद में वो लोग कुछ ना कुछ फ़ी जोड़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक यहाँ पे समाज कल्याण के लिए नहीं बैठा है, वो आपसे पैसे कमाने के लिए बैठा है, और बैंक का जो इनकम है वो आपसे जो उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया यही उनका इनकम है। सो पहला नंबर जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है प्रोसेसिंग फ़ी। जो भी प्राइवेट बैंक होते हैं उनका बेसिकली लमसम अमाउंट पर कुछ वो प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज कर लेते हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़, जो भी प्राइवेट बैंक होते हैं वो बेसिकली DSA पर वो लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। DSA का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। इसके बारे में आगे भी मैं बताऊंगा कि क्या एजेंट के थ्रू लोन मिलता है या नहीं मिलता, क्या सारी चीज़ें वो आगे मैं लास्ट बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इतना समझिए कि प्राइवेट बैंक आपका अपना कुछ टारगेट होता है कि इस मंथ मुझे इतने का लोन पास कराना है, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन, बाइक लोन, बिजनेस लोन, ये वो हर चीज़ का कैटेगरी फिक्स है। हर जगह सेल्स पर्सन है, सेल्स मैनेजर है, रीजनल सेल्स, ये वो पूरा एक अच्छा खासा हायरार्की है। तो वहाँ पर तो एक प्रेशर है, चूँकि प्राइवेट है वहाँ पे उनको प्रॉफिट बनाना है, और प्रॉफिट कब बनेगा, जब ज़्यादा ज़्यादा लोन देंगे तो ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और वही बैंक का प्रॉफिट होता है। प्राइवेट बैंक के केस में ये होता है कि चूँकि जो भी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं उनका एक या तो कमीशन बेस्ड पे वो होते हैं जनरली, या उनको कुछ सैलरी भी दी जाती है। अगर वो बैंक ने डायरेक्ट अपॉइंट कर लिया अपने सेल्स पर्सन को तो सैलरी देगी, लेकिन यही कुछ लोग बाहर जुड़ के उसमें काम करते हैं, कोई भी हो सकता है, बहुत सारे इसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, जैसे CA CS भी हैं, कुछ BCOM पास या लॉयर लोग भी हैं जो कि बोलते हैं हम लोन पास करवा देंगे। तो ये सारे लोग यूँ ही तो लोन नहीं पास कराएंगे, कुछ तो पैसे लेंगे, तो इनका जो फ़ी होता है इस चीज़ को कवर अप करने के लिए, चूँकि ये देखिए दो तरीके से पैसे ले लेते हैं, ये बेसिकली आपसे भी पैसे ले लेंगे कि हम आपको लोन दिलवा देंगे, ओवरऑल लोन अमाउंट का हम आपसे 5% लेंगे या 2% लेंगे, या एक ही बार बोल देते हैं 50,000 ले लेंगे। वहीं बैंक के साथ भी यही डील होती है, बैंक वाले को भी देना पड़ता है, तो बैंक अपने पॉकेट से तो नहीं देगा, वो क्या करता है वो पैसा भी आपके अकाउंट में जोड़ेगा। तो क्या करते हैं वो लोग, बेसिकली प्रोसेसिंग फ़ी का अमाउंट बढ़ा देते हैं, और अमाउंट कहाँ से बढ़ता है, ओवरऑल लमसम जो लोन अमाउंट है जैसे 20 लाख, तो 20 लाख का 1%, 20 लाख का 0.5%, इस तरीके से वो प्रोसेसिंग फ़ी बढ़ा के वो लोन का जो भी अमाउंट है उसको हेवी कर दे। आपको लगता है ये तो प्रोसेसिंग फ़ी है तो देना ही पड़ेगा, वहाँ पे स्टाफ भी आपको यही पढ़ाएगा कि नहीं नहीं ये तो देना पड़ेगा, प्राइवेट बैंक है वो। लेकिन सरकारी बैंक के केस में ये नहीं होता है, क्योंकि सरकारी बैंक परफॉर्मेंस पे काम करती नहीं है, उसको कोई जल्दीबाजी नहीं है। भारत सरकार का बैंक है तो वो आराम से काम करते हैं, इस बार चल गया कोई बात नहीं, नहीं बिका कोई बात नहीं, अगली बार होम लोन बेचेंगे, अगली बार बिजनेस लोन बेचेंगे, चूंकि सरकार का भी स्कीम है और अपना भी उन लोगों का कुछ रहता है, बट इतना मारामारी नहीं रहता प्राइवेट वालों के कंपैरिजन, इसीलिए वहाँ पर किसी भी टाइप का डायरेक्ट सेलिंग एजेंट नहीं होते हैं। हाँ, बैंक में लोन का डिपार्टमेंट ज़रूर होता है, क्रेडिट डिपार्टमेंट ऐसा बोल के या लोन डिपार्टमेंट बोल के, लेकिन वहाँ पर इस तरीके का कोई सिस्टम जनरली नहीं होता है। अब देखिए ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूँ तो कई बार इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं, हम उसको इग्नोर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इससे बचना ही चाहते हैं डायरेक्ट आप बैंक में अप्रोच कीजिए, यही हम जनरली सारे लोगों को बोलते भी। बात करते हैं पेपर वर्क की, प्राइवेट वालों में पेपर वर्क होता है, सरकारी वालों में भी होता है, दोनों बैंकों में पेपर वर्क जम के होता है, क्योंकि ये जो लोन का डिपार्टमेंट हो या पैसे का डिपार्टमेंट हो, बैंक बैंक है और इनका जो मेन रेगुलेटर है वो है RBI, तो RBI ने जो नियम बना दिया वो दोनों ही बैंकों पे समान रूप से चलेंगे, तो इन दोनों को तो डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करना पड़ेगा, 100% आपको देना होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ होता है कि प्राइवेट बैंकों में क्या होता है कि जैसे आप बोलेंगे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तुरंत उसका सोल्यूशन बता देगा, अच्छा कोई बात नहीं हम आपका ये देखते हैं वो देखते हैं, मतलब किसी भी तरीके से लोन आपको देगा अगर आप एलिजिबल हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत हेर फेर कर दे, गड़बड़ी कर दे, बहुत सारा होता है, ये बहुत ग्राउंड लेवल पे होता है। सरकारी बैंकों की बात की जाए तो वहाँ पे बिना डॉक्यूमेंट के वो एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनका ऑडिट बाहरी तो करता ही है,
चूँकि ये सारा जो भी उनका चल रहा है, ये सारा क्रियाक्रम, ये सबका हिसाब तो जाता है भारत सरकार के पास में, RBI के पास में। तो वहाँ से अगर किसी भी तरीके का गड़बड़ी हुई, एक बार में सारे के सारे जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे वो सब नौकरी से निकाले जाएंगे, जेल जाएंगे। प्राइवेट में जनरली इतना नहीं होता है, सरकारी में ये ज़्यादा होता है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है सरकारी में थोड़ा स्लो होगा, टाइम आपका खींचेगा, प्राइवेट में कम खींचता है। दूसरा इसमें आता है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस। इंटरेस्ट रेट देखिए, कोई भी बिजनेस लोन लेने के लिए आप जा रहे हैं, होम लोन लेने के लिए भी जा रहे हैं, तो एक इंटरेस्ट रेट उन्होंने बता दिया है। बिजनेस लोन लेने के लिए आप जाइएगा 10% लगेगा, CC 8% लगेगा, 14% लगेगा, कुछ भी जो भी उन्होंने बता दिया। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक खुद से तय नहीं करती है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है वो RBI के रेपो रेट के बेसिस पर ये काम करता है। तो RBI हर साल रेपो रेट बढ़ाता है घटाता है, ये आपने न्यूज में पढ़ा होगा। रेपो रेट बढ़ गया 0.5%, 2%, 1%, घटा दिया 4% इस बार का रेपो रेट है। तो ये जो भी रेपो रेट तय करती है RBI, उसी के बेसिस पर लोन का इंटरेस्ट रेट घटता या बढ़ता है। लेकिन प्राइवेट वाले क्या करते हैं, जैसे RBI ने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया तो यहाँ पे सरकारी बैंक भी घटा देगा, चूंकि ये तुरंत उसके साथ काम करता है, लिंक्ड है। प्राइवेट वाला क्या करता है, चूंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, मान लीजिए कि आपको लोन उन्होंने दिया था 14% के बेसिस पर और RBI ने रेपो रेट घटा दिया, अब वो एक्चुअली में हो गया है 13%, वो 13% करते करते 6 महीने निकाल देंगे, 4 महीने निकाल देंगे, आपको उतना दिन का इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा और वो कोई रिवर्सल नहीं होता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी फ्लक्चुएशंस है, इसका बेनिफिट सिर्फ आपको सरकारी बैंकों में मिलेगा, प्राइवेट बैंकों में जनरली न के बराबर है। चूंकि बैंक किसी भी तरीके से आपसे प्रॉफिट कमाएगी, वो चाहे जानबूझ के डिले कर दें इंटरेस्ट रेट को घटाने में। अब इंटरेस्ट रेट RBI ने घटा दिया है, बैंक को घटाना न घटाना बैंक के ऊपर में, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि बैंक घटाएगी ही घटाएगी, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन चूंकि सरकारी बैंक है तो वहाँ पे ये चीज़ बाउंडेशन उसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक मेजर डिफरेंस होता है। जैसे 10 साल 15 साल के लिए लिया आपने तो वहाँ पर कई बार ये रेपो रेट घटता बढ़ता रहता है, कभी घट गया कभी बढ़ गया। तो अगर मान लीजिए घट गया तो उस साल तो आपका नुकसान गया, साल भर तो आप खामखा का एक्स्ट्रा पैसे देते रहेंगे। तो यहाँ पर भी सरकारी बैंक आगे निकल गया। नेक्स्ट इसमें आता है प्री पेमेंट। देखिए लोन क्या है, जनरली एक टर्म होता है कि जैसे 5 साल के लिए आपको बिजनेस लोन मिला, लेकिन उसमें भी एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे 5 साल के लिए आपने लोन लिया, मान लीजिए 20 लाख के लिए, 20 लाख का लोन लिया आपने 5 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से उन्होंने 10% का कर दिया। अब इसमें एक चीज ध्यान से आप समझिए, जो भी आपका EMI बनेगा, राइट, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम कि इसमें आपका EMI बन रहा है मात्र 11,000, ठीक है, चूंकि कुछ कैश क्रेडिट रहेगा, कुछ टर्म लोन रहेगा, तो टर्म लोन का ही आपको रीपेमेंट करना होता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्री पेमेंट। एक होता है रीपेमेंट, एक होता है प्री पेमेंट। रीपेमेंट का मतलब क्या हुआ कि लोन आपने लिया तो आपको लोन को पेमेंट करना होगा, तो रीपेमेंट हो गया। प्री पेमेंट का क्या हुआ कि आप पहले ही देना चाह रहे हैं, 5 साल का लोन था, आप पहले ही बोले कि नहीं नहीं मेरे पास अभी ज़्यादा पैसा आ गया है, साल भर में ही ये लीजिए। इसका क्या नियम है वो समझिए। प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि ये लोग बेसिकली लॉक इन लगा देता है कि आप 6 महीने तक प्री पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपने 20 लाख का लोन लिया और आपका बिजनेस बड़ा बढ़िया चल गया, आपके पास पैसे, या आपने वैसे ही प्लानिंग ही किया था कि लोन हम लेंगे लेकिन जल्दी जल्दी भर के इसको ख़त्म करेंगे। जनरली यही लोग करते भी हैं, जो समझदार लोग हैं वो यही करते हैं और इसी में आपका भी भलाई है। आपको मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहला चीज़, जब इसका प्री पेमेंट का पीरियड है तो प्राइवेट बैंक वालों ने लॉक इन लगा दिया कि आपको प्री पेमेंट तब करना है जब लोन लेने से 18 महीना हो जाएगा, तब जिस डेट को लोन डिसबर्स हुआ उससे लेके 18 महीने का पीरियड होने के बाद ही आप प्री पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि टोटल लोन को आप एक बार में ख़त्म कर सकते हैं। सरकारी बैंक में क्या है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, जनरली ऐसा कोई नियम नहीं होता। प्री पेमेंट होने का बेनिफिट आप समझिए। प्री पेमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 5 साल के पीरियड का लोन लिया था और आप 1 साल के बाद ही 20 लाख का लोन अमाउंट में से 5 लाख रुपया आप एक बारगी में जमा करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप 5 लाख रुपया आप जमा करेंगे तो तुरंत आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि वो ओवरऑल लोन अमाउंट से आपका कम हो जाएगा। जैसे 5 साल का आपका लोन का पीरियड रहा, ठीक है, आपने 5 लाख रुपया एक ही बार में पेमेंट कर दिया, साल भर का आपने जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वो सारा पेमेंट किया वो आपका 4 लाख ही जाता था और वो काम आप एक बार में ही कर दिए, तो 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा बैंक को देना था वो आपको नहीं देना होगा, यानी कि वो आपका शुद्ध बचत हो गया। आप बेसिकली दे रहे हैं क्या चीज़, प्रिंसिपल अमाउंट, आपका इंटरेस्ट आपका बच जाता है। देखिए इसमें भी कुछ बैंक क्या करती हैं कि नियम बना देते हैं कि आप प्री पेमेंट कर सकते हैं लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए कि 10% पे आपको मिला था, अभी ये लोग क्या बोलेंगे कि 10% पे तो नहीं,
प्री पेमेंट जब भी आप करेंगे तभी भी आपको 3% इंटरेस्ट लगेगा। कई बार इस तरीके का वो नियम रख, सरकारी बैंक में जनरली इस तरीके का नहीं होता। वैसे मैं आपको बताऊं, इसको लेके आपको बात करना पड़ेगा। बैंक टू बैंक डिफर कर सकता है, ब्रांच टू ब्रांच डिफर कर सकता है, बट हाँ जनरली वो नहीं इस तरीके का कुछ टर्म एंड कंडीशन रखते हैं। आप प्री पेमेंट करके अपने लोन के अमाउंट को आराम से बचा सकते हैं, अपने पैसे के अमाउंट को। वही क्या है कि अगर आप प्री पेमेंट पहले ही करने के लिए उतारू होगे कि नहीं मुझे तो पहले ही दे देना है, तो प्राइवेट बैंक में बेसिकली क्या है कि पेनाल्टी ले लेते हैं वो लोग, तो ये पेनाल्टी आपको नुकसान जाता है। सरकारी बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेनाल्टी नहीं है, आपका आ गया पैसा आराम से जमा। तो बेसिक यही सारा एक मोटा मोटी डिफरेंस है जो आपको प्राइवेट बैंक एंड सरकारी बैंक में आपको मिलेगा। तो आप इन दोनों को ही ध्यान में रख के कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको लोन लेने का बहुत जल्दी है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना खास फर्क नहीं पड़ता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसको उतना तवज्जो नहीं देती हैं, तब आप, अगर समय कम है, पैसे आपको तुरंत लेना है, तब तो आप सरकारी बैंक को पीछे में आप पड़िए ही मत। जो मैं आपको स्कीम बताऊंगा उन स्कीम में तो और भी टाइम लगता है। नॉर्मल भी अगर आप बात करने के लिए जाएंगे तो वो भी किसी ना किसी स्कीम के थ्रू ही जाना है, तो वहां पर भी अगर आप जाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। समय अगर कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई खास आपको इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, प्राइवेट बैंक को आप प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज सरकारी बैंक बेस्ट रहेगा नए बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि सरकारी बैंक सरकार से रेगुलेट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, जो उन्होंने कह दिया वो करते हैं। प्राइवेट में क्या है कि एजेंट या जो भी आप लोन लेने के लिए वहाँ पे जाएंगे, वो लोग बहुत सारी बातें बोल देंगे, ये भी बेनिफिट, वो भी, ये सारा कुछ। और जब बाद में हुआ तो पता चला, अरे नहीं सर, वो तो हम लोग ऐसे ही था, अभी ना बैंक चेंज कर दिया, अभी RBI का ये आ गया, वो आ गया। आपको क्या पता RBI कब क्या निकाल रही है, अब वो तो हर बार कुछ ना कुछ दिखा देंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वो आप समझिए दोनों में। तो आप इसके आधार पर आप खुद तय कीजिए कि आपको कहाँ पे किस तरीके के बैंक में आपको जाना है। वैसे जो भी सरकारी स्कीम है वो सिर्फ सरकारी बैंकों में ही आप लोन ले सकते हैं, बाद बाकी आपको नॉर्मल बिजनेस लोन लेना है तो आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं, सरकारी में भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।